वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन अल्टरनेटिंग करंट। इस लेक्चर में हम एसी जनरेटर के प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करेंगे। द टर्म जनरेटर व्हेन यूज्ड, हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए टर्म जनरेटर यूज करते हैं अगर उसमें आउटपुट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इनपुट हो मैकेनिकल एनर्जी। सो ए जनरेटर हियर वी रेफर टू एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy. There are two types of generators. If the output of a generator is in the form of a steady current called as DC, then we call it as the DC dynamo or DC generator. But if output is in the form of an alternating current or an alternating EMF, then we call it as the AC generator or AC dynamo. कंस्ट्रक्शन के पहले द प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर इज कि अगर हम एक कॉइल लें, दैट कॉइल हैज ए फ्रेम, ए कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रेम, और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, देन ए मैग्नेटिक फ्लक्स विच वे क्रॉस इट विल बी गिवन बाय बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और जो अगर कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, then it will be n into b into a into cos theta. अब इस कॉइल को, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ हेयर वी हैव ए मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास साउथ पोल है, या से दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और हमने एक मैग्नेटिक फील्ड सेट करके रखा है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर हेयर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इस रीजन में हमने एक कॉइल रखा हुआ है, हेयर इज द कॉइल, सो दिस इज द कॉइल, लाइक दिस। नाउ द मैग्नेटिक लाइन्स विच आर क्रॉसिंग थ्रू दिस कॉइल, इफ इट इज ए सिंगल टर्न देन एन इज इक्वल टू वन, लेकिन अगर हम इस कॉइल को काफी सारी टर्न्स दें, जिसको हम बाद में एक आर्मेचर कहेंगे, सो एन आर्मेचर इज ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स विच वी हैव गिवन to the coil, so this armature will have a magnetic flux passing through it given by NBA cos theta. Now what's theta here? Theta is basically an angle between area vector of the coil and the magnetic field lines. So if we think of phi, magnetic flux, phi as the dot product of B vector and A vector as its definition, then the angle between magnetic field vector, which is represented by the directed lines, the magnetic lines of force, and the area vector is theta. Ab ek khas point of time par agar hum isko b into a into cos theta likhte hain, at a particular point of time the angle between b and a may be theta. Now it is possible that if I am rotating this coil, अगर इस कॉइल को हम इस एक्सिस पर, ये डॉटेड लाइन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस पर अगर हम इसको रोटेट कर दें, नाउ दिस रोटेशन इज विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, लेट दैट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड बी ओमेगा। तो ओमेगा मींस कि हम इस कॉइल को रोटेट करते जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए सर्टेन एक्सिस। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड ओमेगा, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी, or omega will be equal to theta divided by t. So this is for a uniform rotation, this is the definition of angular velocity. Ab ye yahan par theta agar hum substitute karte hain omega into t se, so I have the magnetic flux for n turns, magnetic flux, this is for one turn, so here n is equal to 1, so magnetic flux for n turns of the coil or the armature would be equal to NBA into cos omega t. Now what we see is that there is a derivative of magnetic flux which we can write like this, that derivative of phi b with respect to t would be equal to, ye N, B or A constants hain, so NB into A constants hain, into derivative with respect to t ऑफ कॉस ओमेगा टी। और अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर दें एक ईएमएफ में,
then I attach a minus sign here, and this is Faraday-Lenz law, that the induced EMF in the coil, because of its rotation, that rotation is with an angular speed omega, would be given by this expression. अब आप जब यहां माइनस साइन लगा देते हैं इसमें माइनस साइन, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी, सो दिस विल बी माइनस एन बी ए इनटू माइनस साइन ओमेगा टी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, फर्दर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा, दिस माइनस इनटू माइनस विल बिकम प्लस, सो वी हैव एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. अब ये रिलेशन हमारे लिए बड़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल एज नाउ द आउटपुट ऑफ दिस मैग्नेटिक कॉइल और द डिवाइस. तो ये आउटपुट जो होगा दिस विल बी इक्वल टू एन बी ए ओमेगा इनटू साइन ओमेगा टी. आई सब्स्टिट्यूट दिस एन बी ए ओमेगा into the peak value of EMF and I write E is equal to peak value of EMF E0 into sine omega t. Graphically representing this peak value, we will have a graph like this. This will be the nature of graph. This is peak value of the EMF. This is EMF versus time, time and so on. Now, what is our aim? Our aim is कि ये अब इसका प्रिंसिपल बन गया, दैट व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर. द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज दैट व्हेन ए कॉइल विद एन नंबर ऑफ टर्न्स इज सेट इनटू रोटेशन इन प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल हैज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट गिवन बाय ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज इट्स एंगुलर स्पीड एंड ई जीरो इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा. अब ये आउटपुट हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं, सो आई मेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डिवाइस. तो इस डिवाइस की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले यू सी ए पेयर ऑफ मैग्नेट्स विच प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड. सो यू हैव द पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दे प्रोवाइड अस ए मैग्नेटिक फील्ड. इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी यूज the permanent pole pieces, we can also use electromagnets for providing this magnetic field. Then we have the second part of it is this coil. Is coil ko hum ek axle par put karte hain kyunki isko hume gumana hai, we have to rotate it. That assembly is called as an armature. So the second part of it is that coil of n turns is put on a core, और जिसको हम प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, जैसे एक बाईसाइकिल के व्हील या मोटरसाइकिल के व्हील में फैसिलिटी होती है कि आप उसको एक एक्सल पर घुमाते हैं. आई कैन सिमिलरली हैव दैट फैसिलिटी बिकॉज वी हैव टू रोटेट इट, वी कॉल इट एज आर्मेचर. देन वंस द आर्मेचर इज सेट इनटू रोटेशन, ए सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ द मैकेनिकल फोर्स कम्स इन. आप कैसे इसको घुमाएंगे, तो अगर एक बाईसाइकिल के नीचे आप डायनेमो लगाते हैं जो उसकी व्हील की रोटेशन है, बाईसाइकिल की व्हील की रोटेशन, आप उसी व्हील की रोटेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू द मैकेनिकल एनर्जी जो आप इसको दे रहे हैं. सो देर आर वेज ऑफ डूइंग दिस. और यहां पर अब हमारे पास एक ये मैकेनिज्म है विच वी कॉल एज द स्लिप रिंग मैकेनिज्म. तो ये जो आपके पास यहां वायर्स हैं, दीज वायर्स दे आर अटैच टू, तो जब ये कॉयल घूमना शुरू करेगी, वी हैव टू गिव दिस जो इसमें जनरेट होगा ईएमएफ, वी हैव टू सप्लाई इट टू आउटसाइड. तो वी डू इट इन दिस मैनर, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, कि यहां पर हम इन दो को दो रिंग्स के साथ अटैच करते हैं. सो दिस इज वन, दिस इज द सेकंड, इसके साथ एक रिंग अटैच्ड है. सो दैट रिंग इज अटैच्ड इन दिस मैनर. यहां जो ये दूसरा वायर है, दिस इज अनदर रिंग विच इज इंसुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट वन, तो ये इसके साथ अटैच्ड है. Now the rings, once set into rotation, ये इन coil के साथ घूमते रहेंगे. These rings will also be set into rotation like this. ये और ये, they'll be rotating along with the coil. इस rotation को हमें handover करना है to the outside circuit. ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, this assembly, I call this as R1, I call this as R2, R2. तो ये assembly जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, this is called as a brush B1, B1, and this is
brush B2, B2. And here we have the output which will be given to a resistor which I can call as load. So यहाँ आप देखें कि जो ring R1 और R2 हैं, they are rotating along with the coil और इन rings के साथ एक contact maintain किया हुआ है brush B1 ने. Suppose this is the ring R1, तो यहाँ पर with a sliding friction, जब ring घूमेगा, so the brush B1 will maintain a contact with the ring and this brush will consist of a small piece of cast iron or a graphite piece जिसके पीछे spring होगा. That means जैसे जैसे friction की वजह से इस brush का वो सामने वाला point का rub off होगा, there will be the spring which will push it from the back so that a contact is maintained between the two. After some time, once there is wear and tear, उस wear and tear के बाद आपको periodically ये brush B1 और B2 change करने पड़ेंगे. So I add to this list, I add slip rings R1 and R2. These are the two. Then I add to this list the brushes B1 and B2. These brushes maintain a sliding contact with the slip rings R1 and R2. So this is how we have the construction of an AC generator. These become some of the essential parts. Now once the output is obtained from the AC generator, आप उसके form देख सकते हो that the coil for half the rotation, जब यह half rotation करता है ऐसे, is giving you this much. That means when it goes like this, 0 degree, this is 180 degree, first half of the rotation, this is 90 degree. तो अगर हमने ऐसे start किया like this, so once the coil is rotating in this manner, आप देखेंगे कि up to 90 degree, the EMF goes on rising and becomes maximum. Correspondingly, the current in the load also goes on increasing and becomes maximum. 90 to 180, it starts falling off and becomes zero at 180. So we started with a zero value and we come to maximum value, then it is zero value again. और फिर जब इसके आगे आप इसको और घुमाएंगे 180 to 270 या 270 to 360, this cycle will be obtained. So this is 360 degree and this is the 270 degree. So this full cycle, that is one rotation of the coil, is give us one cycle of the EMF. अब जो इस coil को time T लगता है for completing one full rotation is called as time period of this AC. तो इसका जो time period है, that time period will be given by T. Or if we talk about frequency of the AC, which we see is in our day-to-day life, the AC which we obtain in our homes has a frequency of 50 Hertz. That 50 Hertz is the reciprocal of its time period and the frequency can be changed. We have this frequency here in India, 50 Hertz, but out in West it is sometimes 60 Hertz. So that way this depends कि आप जब ये rotation करते हैं, जो आपने एक generator की rotation की, उस वक्त ये coil ये एक सेकंड में कितनी रोटेशंस कंप्लीट करता है, दैट विल बी द आउटकम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एसी. नाउ आउट ऑफ दिस व्हाट यू सी इज दैट एक एसी जनरेटर को अगर हमें एक डीसी जनरेटर में चेंज करना हो, वी विल हैव ए मैकेनिज्म हियर कि इसमें जो रिंग्स हैं दे आर स्लिप रिंग्स, फुल रिंग है. लेकिन देयर व्हाट वी डू इज कि अगर ये एक फुल रिंग है, दिस इज द फुल रिंग, इस रिंग को हम यहां बीच में काट देते हैं. We call it as a split ring, so that we maintain the direction. Usme jo direction hogi, that direction will not reverse in a DC generator, and that direction non-reversal will make it unidirectional. Maybe initially the current may be like this, phir hum us current ko smooth out kar sakte hain. There are ways of using some filters, jisse hum uska output change kar sakte hain to a smoother current or a constant current, which does not change or fluctuate with time. So this will be somehow how we have the principle of working, construction, and some of the aspects of the working of an AC generator. And you can see furthermore some more diagrams, a better diagram in the slides which will follow this lecture. Even though this equation gives us the magnitude of EMF which we will obtain at a particular time t,
इट इज नाउ टू बी सीन कि अगर हमें इस ईएमएफ का डायरेक्शन चाहिए हो तो मैग्नीट्यूड के लिए आपने याद रखा कि अगर ओमेगा टी की वैल्यू आप लेते हैं 0 degree, सो ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0. अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू लेते हैं 90 degree, इट विल बी कॉल्ड E0. अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू लेते हैं 180 degree, इट विल बी अगेन 0. अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू लेते हैं 270 degree, इट विल बी -E0, तो ये -E0 हो जाएगा. और अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू 360 degree लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू 0 अगेन. आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हो ओमेगा टी की, और दैट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड. हाउ आर द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ? डायरेक्शन के लिए फिर रिमेंबर दैट देयर इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल व्हिच विल वर्क इन दिस केस. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है दैट योर फर्स्ट फिंगर एंड थंब एंड द सेकंड फिंगर आर स्ट्रेच्ड इन सच ए मैनर दैट फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द सेकंड फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोवाइडेड थंब रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द कंडक्टर. तो लेट्स अप्लाई इट हियर. मान लेते हैं कि अगर ये कॉइल राइट हैंड साइड या एक इस रोटेशन को जब मैं इसको ऊपर से देखता हूं, आई फाइंड इट इज गोइंग इन दिस मैनर फ्रॉम द टॉप, इट इज गोइंग इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. सो व्हाट आई सी दैट द फील्ड इज हियर, द कंडक्टर दिस वन इज गोइंग इनवर्ड्स, फर्स्ट फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस मैनर, द कंडक्टर इज गोइंग इनवर्ड्स. So thumb gives motion of the conductor is inwards into the plane of paper. Then the direction of current, which will be the current due to positive charge, will be given by second finger. So इसमें your direction होगा current का, वैसे हो जाएगा like this and like this, provided जो आपकी rotation है, that rotation is anti-clockwise as we see from the top. So first finger giving the direction of field, thumb giving the direction of motion of the conductor, किस तरह से कंडक्टर में या तो सॉरी इसमें फील्ड में इनवर्ड्स जा रहा है, आउटवर्ड्स आ रहा है, एंड देन द सेकंड फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट. सो दिस इज अबाउट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. दस वी हैव ऑब्टेन्ड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ विच विल डेवलप इन द कॉइल विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो आगे अब हम बढ़ते हैं दैट अगर एक डीसी सर्किट में आपको याद हो कि हमें जब एक करंट को कंट्रोल करना होता है, हम रियोस्टेट का मदद लेते हैं. रियोस्टेट क्या है कि अगर ये एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर को आप एक बैटरी से करंट दे रहे हैं, यहां पर आपने एक वेरिएबल रेजिस्टर रखा हुआ है, दैट वेरिएबल रेजिस्टर आई शो लाइक दिस, और ये वेरिएबल रेजिस्टर जब हम यूज करते हैं इन द सर्किट, तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होता है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो घटने से करंट बढ़ जाता है. वैसे ही जैसे आपके पास एक बाथरूम में एक नल होता है, उस नल में एक नॉब होता है, अगर आप उस नॉब को एक तरफ घुमाते हैं तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है, पानी ज्यादा बाहर आता है, अगर आप उसको दूसरी तरफ घुमाते हैं तो पानी कम हो जाता है. सिमिलरली यहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जिसको हम करंट कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए वेरिएबल रेजिस्टर. और ये वेरिएबल रेजिस्टर जब हम V equal to IR की बात करते हैं, इट इज एबल टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट फॉर ए गिवन वोल्टेज. वी सी दैट I बिकम्स V/R. लेसर द रेजिस्टेंस हायर द करंट, एंड हायर द रेजिस्टेंस लोअर द करंट. बट दिस रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टर विच वी कॉल एज रियोस्टैट, इफ यूज इन एन एसी सर्किट, अगर हम इसको एक एसी सर्किट में यूज करें, इट इज गोइंग टू कॉज ए ह्यूज डिसिपेशन ऑफ पावर. क्योंकि आपको याद होगा कि इन केस ऑफ एन एसी सर्किट, इफ यू सी दैट वॉट एक्चुअली डिसिपेट्स द पावर, अगर उस एसी सर्किट में एक इंडक्टेंस है, सो दिस इज एन इंडक्टेंस, एक कैपेसिटेंस है और एक रेजिस्टेंस है, सो दिस इज एल, दिस इज सी, दिस इज आर, देन आउट ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स द टू एलिमेंट्स दैट इज कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर नॉन डिसिपेटिव, वेयर एज रेजिस्टर इज ए डिसिपेटिव एलिमेंट विच कॉजेज द मैक्सिमम डिसिपेशन ऑफ पावर. सो दिस मे नॉट फॉर्म द राइट चॉइस फॉर कंट्रोलिंग करंट इन एन एसी सर्किट.
So in the AC circuit, if I use a variable resistor besides this resistance, अगर मैं यहां पर एक rheostat use करता हूं, this will not be a suitable choice for the AC circuit. Because ये current को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा heat produce करता है और ये उस energy को dissipate करता है. Dissipate means that it throws out energy from the circuit in the form of heat, which is not reversible, वो फिर recover नहीं हो सकती. So there is a way out to this. The way out is a choke or a choke coil. You have often seen that AC devices, जिसमें एक fluorescent tube, बड़ा ही common device है. This is the frame of a fluorescent tube. यहां इसमें एक tube light या tube लगेगी. तो इसमें जो ये आप देख रहे हैं, this box, जिसको आप ballast भी कहते हैं, this is being used as a choke for controlling the current and voltage in the AC circuit. यहां पर बड़ा ये revealed है, but in many of the devices, you will see that it will be a concealed or it will be a device which may be fitted inside. What this choke coil is, it is basically an LR circuit. हमने अभी तक LCR circuit की बात की. LCR circuit which has an impedance given by Z equal to under root of XL minus XC whole square plus R square. So this is impedance of LCR circuit. अगर हम इस LCR circuit में से एक capacitor को बाहर निकाल दें, that means we remove this capacitor, then it remains what we call as LR circuit. That means there is inductance in the circuit, there is resistance in the circuit, there is no capacitance in the circuit, and this expression will be accordingly manipulated like this, कि यहाँ पर XC की value 0 हो जाएगी, so this will become XL square plus R square, or it becomes square root of L omega whole square plus R square. So this is impedance of a circuit जिसमें inductance है और resistance है. We further ensure कि अगर एक choke coil हमें use करना है, we ensure कि उसमें जो inductive reactance है, this is inductive reactance, this is resistance, is much larger than the resistance. Because as I said, it is actually resistance which is going to cause the dissipation. And we can obtain now impedance, जो एक opposition है to the flow of AC, by making the circuit in such a manner that inductive reactance is very large as compared to the resistance, so that जो इसमें effective value होगी अब इस impedance की, which will be dominantly by this term, that the term is inductive reactance. अब एक choke coil जो LR circuit है, उससे हम current कैसे control करते हैं, very usual. So in a DC circuit, when I say that I is equal to V divided by R, in an AC circuit, it will be I equal to the applied EMF by Z. And what is this Z equal to? So this I can write sometimes as E divided, E is now here EMF. So I can make it E as E divided by under root of L omega whole square plus R square. और ये जो वैल्यू है, जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ एन इंडक्टर इन एन एसी सर्किट हैज नो डिसिपेशन, बिकॉज द करंट एंड ईएमएफ आर सच दैट द एंगल बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, इफ इट इज एन आइडियल इंडक्टर, इज 90 डिग्री. देर इज नो डिसिपेशन ऑफ पावर थ्रू द इंडक्टर, देर इज ओनली डिसिपेशन ऑफ पावर थ्रू द रेजिस्टर. रेजिस्टर, एज आई सेड, वी आर decreasing to the minimum possible value, so that the value of self-inductance or the value of inductance is dominant over the resistance. The circuit is dominantly inductive. And once it becomes dominantly inductive, the value of power factor cos phi nearly tends to be equal to zero. So that the value of power in the circuit, jisko hum aise likhte hain, that power is equal to ERMS into IRMS into cos phi. तो जब cos phi nearly zero की तरफ चला जाए, this power, average power in the circuit which is dissipated will be very very small. So whenever you think of controlling current in the AC circuit, don't think of using a rheostat. We think of using a LR circuit or a choke coil for this purpose.
एंड यू कैन सी दैट हाउ द चोक कॉइल इज डिजाइंड. कई बार हम जब एक LR सर्किट लेते हैं, उस LR सर्किट में हम जो इंडक्टिव पार्ट है उस इंडक्टिव पार्ट को बढ़ाने के लिए, सो देयर इज इंडक्टेंस हियर, देयर इज रेजिस्टेंस हियर, और जो हमारा AC है, हियर इज द AC सोर्स. अब इस इंडक्टिव पार्ट को या इंडक्टिव रिएक्टेंस को बढ़ाने के लिए वी मे यूज अ कोर हियर. दिस कोर इज सम मटेरियल अदर देन एयर विच हैज गॉट अ वेरी हाई रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी. So you can think of soft iron core in making this device. Now there are two types of chokes which we sometimes talk about. There is a choke which we call as the high frequency choke, or we call it as radio frequency choke. What is the radio frequency choke? A choke which has been designed for high frequencies. So normally this choke has an air core with a coil, और उस कॉइल का जो रिस्पॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी पर इस तरह से डिपेंडेंट होगा. एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सिग्नल गोज ऑन इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ एल ओमेगा बिकम्स हायर एंड हायर. देन देयर इज अनदर व्हाट वी कॉल एज द ऑडियो फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी चोक. सो दिस ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक और लो फ्रीक्वेंसी चोक इज यूजुअली अ कॉइल विच इज ऑफ इंसुलेटेड कॉपर put on a soft iron core so that we have a good value of inductance of the coil, particularly jab hum lower frequencies ki baat karte hain, in the range of few thousand hertz or few hundred hertz we use this. Jab hum megahertz or gigahertz ki baat karte hain, we have the radio frequency choke. So this is how we control the value of value of करंट इन एन AC सर्किट. और बाकी जो ये इक्वेशंस हैं, दिस यू कैन अंडरस्टैंड. बाय द वे, अगर LR सर्किट ही का LC सर्किट हो तो उस LC सर्किट में हमारे पास, अगर वो LC सीरीज सर्किट हो उसमें यहां XL एबसेंट होगा, सो इट विल बी XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. दैट मीन उसका जो इंपीडेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. और XC आपको पता है इज इक्वल टू 1/ωC. इसकी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं RC सर्किट की. तो यू कैन हैव LR सर्किट, यू कैन हैव LCR सर्किट, यू कैन हैव कैपेसिटर एंड रेजिस्टर कंबाइन टुगेदर, यू कैन हैव एन इंडक्टर एंड रेजिस्टर कंबाइन टुगेदर. नॉर्मली वी कैन नॉट हैव ए प्योर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, रीजन बीइंग कि रेजिस्टेंस की कुछ न कुछ वैल्यू आ ही जाती है व्हेन वी मेक ए कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर. सो द आउटकम ऑफ दिस पार्ट ऑफ लेक्चर इज दैट ए रियोस्टैट इज नॉट ए प्रेफरेबल एलिमेंट फॉर कंट्रोलिंग करंट इन एन AC सर्किट, बिकॉज सिंस इट इज ए प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, इट विल डिसिपेट लॉट ऑफ एनर्जी एंड प्रोड्यूस हीट. ए सूटेबल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग करंट इन एन AC सर्किट इज एन LR सर्किट, ऑल्सो कॉल्ड एज चोक, वेयर द सर्किट इज डोमिनेंटली इंडक्टिव सच दैट द इंडक्टिव रिएक्टेंस L ओमेगा इज मच ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस. थैंक यू.